Guided by the ISI and Osama bin Laden, the most fundamentalist. Hijacking of the Indian plane to Kandahar, attack on Jammu and Kashmir Assembly, and the attack on Indian Parliament on 13th of December. Osama bin Laden, the mastermind behind the attack.
At its foundation and will bring about the rule of Islam everywhere in the world. The world will be at my feet. My struggle for jihad will continue till the entire world is converted from Darul Harb to Darul Islam. Ha ha ha! Jihad! National tragedy. 2 year plans of crashing World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Search is under the way for those who are behind this evil act, and we will make no distinction between the terrorists who committed this act and those who harbor them. The United States of America will use all its resources to conquer this enemy. The act of mass murder was intended to frighten our nation into jaws and retreat, but they have failed. Our nation is strong. They can shake the foundation of our biggest building, but they cannot touch the foundation of America. May God bless the victims, their families in America. द्वारा समर्थित आतंकवादियों का भारतीय संसद पर हमला हमारे प्रजातंत्र और संसदा पर हमला है। यह युद्ध हम पर तोहफा गया है और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यह युद्ध निर्णायक होगी, इसे सारी दुनिया देखेगी और इस युद्ध में अगर दुनिया हमारे साथ दे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दे तो परवाह नहीं। आतंकवादियों का चेहरा हर जगह एक ही होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। चाहे वो 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो या 13 दिसंबर के दिन भारतीय संसद पर, इसमें किसी तरह से भेद किया नहीं जा सकता। नमस्ते सर, मैं परसों तक समाचार चैनल की रिपोर्टर करीना गो आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपसे मैं आज कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। 13 दिसंबर की घटना का बदला लेने के लिए आपकी सैनिक तैयारी चल रही है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक तौतले है या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये सारी देश की मांग है और इस सवाल पर सारी राजनीतिक दल एकमत है। तब क्या ये पाकिस्तान पर हमला होगा? नहीं, हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम तो आतंकवाद को जैसे समाप्त करें ये लड़ाई। क्या आप इस काम को अकेले कर सकते हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। थैंक यू सर। नाउ वी वेरी हम्बली रिक्वेस्ट नाउ मिस्टर वाजपेयी जी। नमस्ते सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों को जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं उन्हें भारतीय सरकार को सौंप देना होगा और पाकिस्तान की यह मांग है कि हमारी सरकार को उन्हें पुख्ता सबूत देना होगा।
क्या है? इस पर आपका क्या विचार है? वो प्रमाण चाहता है। संसद भवन के दीवार पर पड़े वो गोलियों के निशान और बाहर पड़े 5 लाशें जो सब के सब पाकिस्तानी हैं, उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? हमने एक लिस्ट जिसमें 20 आतंकवादियों का नाम है पाकिस्तान को सौंप दी। पाकिस्तान हमें उन आतंकवादियों को सौंप दे। जैसे मोहम्मद और लश्करे तोयबा की यह धमकी कि वो ताजमहल को उड़ा देंगे, इसकी गंभीरता को देखते हुए आपने ताजमहल की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए? पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई आर पार की होगी। हमने ताजमहल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। अमेरिका चाहता है कि काठमांडू में सार सम्मेलन द्वारा आप और जनरल मुशर्रफ एक दूसरे से मिले, आपका क्या मत है? गत 10 सालों से हम पाकिस्तान को ढेर सारे सबूत भेजे हैं कि सीमा पार भारत के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान के सर पर ही चलाए जाते हैं। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादियों पर अंकुश लगाए और उत्तेजना को कम करें। अमेरिका बार बार भारत को संयम बरतने की सलाह दे रहा है, क्या भारत नतमस्तक होकर उसे मान लेगा? सभी हमें संयम बरतने को कहते हैं, पर हम किसी बाहरी दबाव पर आने वाला नहीं। बाहरी दबाव पर आकर हम आतंकवादियों के विरुद्ध अपना लड़ाई को हर किस कमजोर नहीं करेंगे। देशवासियों से मेरा यह अनुरोध है कि जिस किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास के साथ तैयार रहे। संसद में जो हुआ इसको कोई भी स्वाभिमानी दे हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। संसद पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण के बाद अमेरिका द्वारा किए गए टिप्पणी से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे लोग बिना किसी कारण के मरने के लिए नहीं है। हम यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से भी खुश नहीं है। हमें आतंकवादियों का सामना करने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है? सीमा पर हमने सेना तैनात कर दी है। वायुसेना किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए कटिबद्ध है। सीमा की अग्रिम घाटियों पर हमने फाइटर प्लेन्स भी भेज दिए हैं। 1971 के बाद इतनी बड़ी सेना का पहले कभी जवाब नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से 15 जनवरी के दिन यानी सेना दिवस के दिन की परेड भी स्थगित कर दी गई है। पिछली रात कारगिल सेक्टर में भी दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हुई। हमारी सेना लड़ाई कर रही है। थैंक यू सर। सर, अपने सैनिक भाइयों की लाश उतर चुके हैं सर, ताकि भारतीय भूमि से आतंकवादियों का नाम निशान निकाल। सर, हमारा दिल में
देखना है जोर की। Which has been sponsoring terrorism against India, has adopted a double standard on terrorism, which built up military strength along India's international borders, and time controls, telling internationally to count on the India's democracy. सिर्फ रास्ते बोलो, अथवा बिल लागे बोलो, सब अपना इच्छा पूरा करना चाहते हैं। ठीक कहते हो बड़े भैया, ठीक कहती हो माँ। माँ के आंचल में ही दोनों भाई सुख और शांति से मिलकर रह सकते हैं और रहेंगे। बोलो अखंड भारत माता की जय। अखंड भारत माता की जय। अखंड भारत माता की जय।
यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो सका है। हाँ नरेश, श्री श्री ठाकुर की कृपा से अपने विचारों और नीतियों से तुम सारे विश्व पर बार बार विजय प्राप्त करोगे। Irrespective of caste, creed or color, as the living
appointment of the Supreme Self. This center, along a duly constituted branch of Ramakrishna Mission, with its headquarters at Belurmath, Howrah, was started by the mission in the primary school on 26 July 1966, with only 35 students on roll, housed in an improvised thatched shed, raised somewhere at the present football ground adjacent to staff quarters. The foundation of the present school building for the secondary section was led by the then Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, on 23rd December 1967, and subsequently inaugurated by the then Home Minister of the Government of India, Sri Y.V. Chauhan, on 6th December 1969. The school was then upgraded to senior secondary level in 1985, followed by inauguration of its own building in March 1988. To help the school-going children residing in various districts of Arunachal Pradesh manifest the best in them through man-making and character-building education and to promote the spirit of national harmony among the masses are the principal objective of this large institution. As we born to a poor family and the eldest of all, Holy Mother used to help her mother to all the all household jobs and had to look after her brothers and sisters. She would carry food for a servant in the fields, cut grass for the cows in next to gardens, and would collect grains from the fields in the petty season. As a young girl, Sharamani was rather great for her years. She had little interest in the games commonly played by children of her age. She would rather like to play with the great images of Goddess Kali and Lakshmi rather than ordinary dolls, and would worship their intense devotion with sacred flowers and leaves. Sharamani Devi was very young when she was married. She was about 6 years old. She was married to a man, considered to be mad, but returned to the religious philosopher, Sri Ramakrishna Paramahansa, whose real name was Pradhara Chattopadhyay. After marriage, she lived with her parents as it was her custom to live with her parents until her mother was sufficiently grown up. She went to Sri Ramakrishna in the year 1867 when she was 14 years old, and then she was privileged to live with him at Kamathukur. Mama, 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 mama
Panikkar, Commander, 5 Mountain Brigade, to please take the trouble of coming over the stage and to give away the prize. Swami Vivekananda Endowment Prize, Sri Rajinikanth Talavat Memorial Prize. Best. Next, Ms. Veerpuni. And then, Mr. Kutekata, proceeding towards the stage to receive the Best Tribal Student Award of Class 9, Mr. Kutekata. Then, Sri Sai, Miss Papu Yanga. Best winner for the best girl star candidate. Next is best boy candidate, Sudhanshit. Next is Swami Sandaranda Memorial Endowment in the cash award of rupees 200 for moral excellence. And then, Talabini Memorial. This is Master Tomo Ete, following in team. This is Ms. Lemya Lohi, both from State Senior Assembly. Master Marsak and Ms. Purnima will come from the seminar session. Here is Ms. Lemya, sports champion from Senior Assembly. And Master Marsak. Prizes have been awarded by Srimati Geeta Kapoor. The honors award, Gaurav Pardola. And then, this is my smart. Then, AIS. Then, high smart security reception. Cash award of rupees 700. Next is, high smart. To follow him, the prestige is 800 as the headquarters scholarship award. To follow him, Mr. Tadi Namin from Class 8. Then, Babu Bajal. Next, cash award of rupees 550. Next is, Mr. Kendi Doji and Mr. Tenu Jiri. Here is Mr. Kendi Doji. To be followed by Mr. Benjamin. Now, it's 200 each. Something of the whole of the world last time. What's the name of then, Mr. Tika, e-commerce, Chandra Mete, get ready. Ms. Chandra Mete, Nisan. Then, Mr. Ajay Dutta, and this is the second in 12 commerce. This is Ajay Dutta. And then, Ms. Rumi Bora, general proficiency third, 20 meter is third, and 100 meter stick in second, Ms. Rumi Bora. Then Ms. Mavi Loy. Then Masata Moriba. Then Ms. Mavi Pado. Now, from class 11 science, Master Saika Saha first. Master Saika Saha first. Then Erika. Master Tomolomi. Here is Tomolomi. Then Master Momari.
Mr. Weaver, District Commissioner, the entire faculty and teaching staff of the school, the parents of the centenary and the DHU. I'm extremely grateful to all of you who have called me here and given me an opportunity to be the chief guest of this function, particularly because this institution is in fact an embodiment of truth. It is extremely heartening to see the young boys and girls who have welcomed us by playing the band. Thereafter, a very meaningful chaplo which all of you have put up. In fact, one's heart goes off to those who have conceived this very idea of the present situation which you are confronting. Be it Osama bin Laden or George Bush or our own Prime Minister, Defence Minister or the Home Minister, that idea conceived by the staff, by the teachers and across by the students or something government. Thereafter, the items or the tableau put up here displaying the mother, Sarada Devi's dedication to the society, which in fact displays to what every one of us should be doing in this world today. Proud and pride to stand here amidst you who have toiled for this institution to come up like this. I'm told, I keep meeting various senior officers of the Arunachal Pradesh government, ministers and everybody, I do get a feeling that this school has created so many of them. So many of them are in that pedestal where they are in the directing pedestal who can give a guidance or direction or a vision to our nation and to this particular state. Well, all that I would like to speak to the children, those are growing up, yes. Do not be afraid to speak the truth as it has been described today by mother's tableau. Stand for your values, stand for your rights. Your parents, your teachers, your friends, your elders will support you. You are the national makers tomorrow. After you pass out from each state, let's say 12, you have to look for the vocation which you most like. Not necessarily that you should become a bureaucrat or a teacher, but what you like the best, where your heart says, yes, I have the tingling. I have that go in me which I want to do this. Please take on this vocation. Your teachers, your parents have supported you so far. Particularly, I'm talking about those boys who in the 12th class, boys and girls in the 12th class. Presume your own place, identify your place in the society, place in the sun, and then work for it. Have a vision, have a long-term goal, what you want to do when you grow up, maybe after 5 years, 10 years. Try and achieve, try and work for that goal. अब आगे की कार्यवाही को शुरू रखते हुए आपके सभाध्यक्ष माननीय हागे भट्ट उप जिलाधिकारी पश्चिम शांत अरुणाचल प्रदेश से निवेदन है वह स्टेज पर आए और अपने कर कमलों से पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत कर उनको भाग्यशाली बनाए। Thank you.
Miss Nizam Ete. 200 meter race pass, our second race pass, our second race pass, escaping this second and 8 meter race pass. Anish Kati. Master Anish second. Master Inge Noya. Miss Ramsey Kumar Asthana, Hindi recitation pass. Mr. Rakhan Kipa, Sai Krishna. Next, Master Praveen Kumar Roy. Then, Master Kemo Ete. Self race pass, relay race pass, 100 meter race third, 200 meter race second, 8. Then, Master Mete. Master Anasina, Duliete. Master Duliete, our competition first. Next, Africa is third. Miss Boyer Dani, musical. Next, Miss Binu Bode. Master Dilu Kamil got 5 seconds. Peter is third. Our competition third. Keeping this second. Miss R.C. Day. Master Kenda Dini, 50 meter race pass, 100 meter race pass. Kendra Dini. Next, Miss Dui Rete. Miss Dui Rete. Next, Master Bodhum Mosing. Master Bodhum Mosing. Potato picking first. Next, Miss Lee Karso. Potato picking first. Sweet planning for Miss Bagil Dime, Miss Kankam Padu, 50 meters a second, 100. Miss Lili Dolan, high jump third, Master Origami, gender proficiency first. Fancy day show competition. Okay, subscribe and soldier. Second. Next, Master Sirin Kati and Master. Second is that Master Inge Doya, Roshan Kumar Singh, Master Siddharth Kaur, Master Sudhir Class 9 in the role of Pentul, prize will be received. Excellent song on Vande Mataram. Prize will be received by Sri Arup Nath. Children group, 1 to 4,
मैदान पालिका सेक्रेटरी स्वामी जी, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक सेक्रेटरी स्वामी जी फॉर इनवाइटिंग मी टू ग्रेस दिस ओकेजन एज President of the function and to preside over this occasion. I am extremely delighted to be here in your midst and witness the giving away of prizes to the winners in various academic and co-curricular activities. I congratulate and wish them more success in their life. But they must remember that this is not end of it. This is a small beginning. To achieve more success in life, the foundation in the school level education must be very sound and very strong. And I think once if you miss it, you will miss it forever. Then you will not get chance to become a good citizen or useful member of the society. Ultimately, you will become a social liability. Therefore, I would like to advise with few words to the students. You must not waste your valuable time of this period. Make best use of whatever facilities are made available to you by the school. You must be well disciplined, well mannered, obedient to teachers, parents and elders. Of course you must be very, very hardworking. Stop not till your goal is reached. You are sure to succeed in your life. In this occasion, I would also like to mention that the contribution of academician, particularly in education and health sector, has been tremendous. Now, many of you, both monastic and non-monastic members of this organization, has left your home and family comfort 1,000 miles away from this place, and you have come here to serve in tribal society with a purpose, with a missionary chief. Therefore, I would also like to appeal all of you to, with the same dedication, devotion and sincerity, to keep up the glory, the prestige and reputation of this premier institution. I will not say much. Once again, I am thankful to Swamiji for giving me this opportunity to be in your midst today on this very auspicious occasion. And I wish all of you very, very happy New Year. Thank you very much. आज माँ शारदा का दिन है. आज का दिन माँ शारदा को समर्पित है. माँ के स्नेहांचल में आशीर्वाद के रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए आपने देखे, तो उन्होंने अपने बच्चे पर बरसाया. और इस काम में हमारे माननीय अतिथि, हमारे सभाध्यक्ष भट्ट साहब ने पूरा सहयोग दिया. इसके लिए हम हृदय से उनका आभार मानते हैं. Thank you.
मिलकर नहीं कहा
एम जी के पर्निकर जी एवं आज के समारोह के अध्यक्ष श्री हागेबट डी सी वेस्ट चांद डिस्ट्रिक्ट आलोम श्रीमत और मैडम पर्निकर साहिबा पूज्य सेक्रेटरी स्वामी सुमेधानंद जी महाराज अन्य साधुबिंद स्थानीय मेहमान लोग गार्डियंस, आज हमारे कल्चर प्रोग्राम का यह तीसरा दिन है और अंतिम दिन है, क्यों तो यह प्रोग्राम हमारा कल भी है लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह अंतिम दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि किसी भी स्कूल के जीवन में बच्चों के लिए खासकर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी बहुत ही माने रखता है। आज हमारे बच्चे जिनको आज प्राइज मिला है वो बहुत ही उत्साहित है। सारे गांवों को अलग रख करके आप हमारे बीच आए, सवेरे से लेकर के अभी लगभग 1 बज रहा है, अब तक हमारे बच्चों के साथ रहे, आप उन्हें प्राइज दिया और आने वाले दिनों में जबकि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये नेशनल टर्मोइल का समय है, आपको अपने अंदर में गुड वैल्यूज और गुड प्रिंसिपल्स को इनकल्केट करना पड़ेगा, उन्हें नर्चर करना पड़ेगा, सो दैट यू विल फेस द प्रॉब्लम्स इन द डेज टू कम। ठीक उसी तरह से हमारे डीसी साहब ने हमारे बच्चों को कहा कि आपको अपने अपने समय का सदुपयोग करना होगा, बड़े लोगों का की बात सुननी होगी, उनके आज्ञा का पालन करना होगा, एक अच्छा नागरिक गुड सिटीजंस बनना होगा, सो दैट यू विल लीड अ गुड लाइफ इन द बिगर सोसाइटी। आप लोगों का